मैं जसुनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजू कोचिंग क्लासेस पे। आज की क्लास हम लोग क्लास 12 के डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की नच्छी रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना। तो चलिए पहले समझते हैं फिगर को, उसके बाद आते हैं थ्योरी पे। फिगर में क्या दिया हुआ है, तो फिगर पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और वैद्युत द्विध्रुव AB का एक मध्य बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है। यदि लंबाई 2L होगी तो जो AO होगी वो L होगी और जो OB होगा वो भी L होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसका मध्य बिंदु O लिया है। मध्य बिंदु O से O की x दूरी पर एक बिंदु P है जो कि द्विच्छी रेखा पर स्थित है। कैसी? द्विच्छी रेखा पर स्थित है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इसकी x दूरी पर द्विच्छी रेखा पर है ना, x दूरी की द्विच्छी रेखा पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या दिया हुआ है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेशों की मात्रा Q तथा लंबाई 2L है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से x दूरी पर द्विच्छी रेखा पर एक बिंदु P है। x दूरी पर एक बिंदु P है जो कि द्विच्छी रेखा पर है, वहां पर हमें कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सारा सिस्टम अच्छी जैसा ही होगा। पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आविष्कारण निकालेंगे, उसके बाद हम माइनस क्यू आविष्कारण निकालेंगे। यदि हम प्लस क्यू आवेश की बात करें तो इसके कारण जो विभव होगा V1 बराबर, तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 1/4 ε0 Q/। अब यहाँ पर बीच की इसकी दूरी तो पता नहीं है, लेकिन बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा त्रिभुज यहाँ पर POB। यदि इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी रूट पर रहेगा x² + L² निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल निकल के आ जाएगी। इसको हम मान लेंगे R, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, हम R मान लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी तरह इसको यदि निकालेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा R बराबर रूट पे x² + L²। यदि पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते होंगे तो आराम से निकालेंगे, वैसे जानते ही होंगे, क्लास 8 से बताया जाता है। तो यहाँ पर ये होगा, इसको हमने क्या मान लिया R, तो यहाँ पर लिख देंगे हम R, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि यहाँ पर प्लस की आविष्कार निकालें, ये तो प्लस के कारण था, अब हम निकालेंगे माइनस की के कारण। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 ε0 -Q/R। आपको फोकस कर, इस बात में करना है कि जो वैद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि है और इसकी जो, इसका जो मान रखते हैं वो हम साइन के साथ रखते हैं, मतलब चिन्ह के साथ रखते हैं। यहाँ पर -Q/R हो गया, V1 भी हो गया, V2 हो गया। अब हमें बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ पर करें क्या, लिख देंगे यहाँ पर चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, राशि है। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव, यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत विभव। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 ε0 Q/R और माइनस होगा क्योंकि माइनस साइन आगे आ जाएगा, हो जाएगा 1/4 ε0 Q/R। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो V1 की वैल्यू है वही V2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर V1 और V2 दोनों माइनस हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, इनके वैल्यूज भी बराबर है इसलिए दोनों ही कट जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव मान कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम में एक नंबर में ऑप्शन आ जाते हैं कि अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर V बराबर 0 होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।